अगर आपको कहीं से भी अपॉर्चुनिटी आते कोई छोटी कंपनी से ही आते चाहे एक कमरे की ही वो कंपनी क्यों ना हो यू कैन ज्वाइन चाहे पैसे कम मिले स्टार्टिंग टाइम में चाहे फ्री में भी काम करना पड़े करो एक लेवल के बाद आप ChatGPT को बोलोगे बाय बाय अब आपको कस्टम डेवलपमेंट करनी पड़ेगी तो वो सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यू शुड बी अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भैया मैं क्या करूँ मेरी सैलरी 5,000 है मैंने उनको भी यही कहा भाई 5,000 है तो 5,000 में ही कंटिन्यू कर अभी जब तक चीज़ें रिज्यूम नहीं होती हैं जैसे ही चीज़ें रिज्यूम होंगी तो फिर आगे चेंज के लिए जाओ अब बाहर वाले ही टीसीएस को पैसा नहीं देंगे तो टीसीएस क्यों हायरिंग करेगा पर टीसीएस को या और जो सर्विस बेस्ड कंपनी उनको ये आइडिया होता है कि आने वाले टाइम में प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं तो हमें अभी हायरिंग करनी है अब वो हायरिंग बेंच हायरिंग भी हो सकती है हम अब क्या करते हैं अपनी बेंच स्ट्रेंथ तैयार कर लेते हैं जैसे प्रोजेक्ट आएंगे इनको फिर वहाँ पर डाल देंगे हाय एवरीवन कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे स्वागत है जी आपका एक नई वीडियो में आज की वीडियो में मैं बात करूँगा इस वेब डेवलपमेंट चाहे फ्रंट एंड हो या बैक एंड हो वेब डेवलपमेंट में टू सैचुरेटेड क्या ऐसा हो गया आज के टाइम में कि वेब डेवलपर्स बहुत ज़्यादा हर कोई वेब डेवलपमेंट में आ रहा है हर कोई रिएक्ट सीख रहा है हर कोई एंगुलर सीख रहा है क्या आने वाले टाइम में जॉब्स बहुत कम हो जाएंगी क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा लोग बहुत बढ़ जाएंगे आज हम इसके बारे में बात करेंगे अभी मैं इंस्टाग्राम पे आजकल काफ़ी बात कर रहा हूँ बच्चों से Q&A सेशंस कर रहे हैं तो ये सवाल बहुत निकल के आ रहा है बहुत ज़्यादा मैं आपको कुछ रीजंस बताऊँगा एंड इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले और आप उस हिसाब से आगे चीज़ें प्रोसीड कर पाओ ठीक है तो इस वीडियो को लाइक करना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना लाइक एम इज़ 5,000 कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चलिए बात करते समझते हैं और इसके साथ अगर आप अभी हमारी वेब कम्युनिटी में ज्वाइन नहीं हुए जो फ्री वेब कम्युनिटी है फॉर फ्रंट एंड एंड बैक एंड पीपल मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर आप वहाँ पे आके मुझे ज्वाइन कर सकते हो देखिए अभी क्या हो रहा है कि हर कोई वेब डेवलपमेंट के स्पेस में आ रहा है राइट लोग फ्रंट एंड सीख रहे हैं स्पेशली फ्रेशर्स जो कॉलेज में है वेब डेवलपमेंट में आ रहे हैं HTML सीख रहे हैं JavaScript सीख रहे हैं React सीख रहे हैं अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स भी बना रहे हैं अब हो क्या रहा है मार्केट में जैसे अभी हायरिंग नहीं है फ्रीज है और अभी कंपनीज़ ने फ्रेशर्स को हायर करना स्टार्ट नहीं किया है मास हायरिंग भी नहीं चल रही है अब क्या हो रहा है कि लोग सीखते जा रहे हैं जो सीखने वालों की संख्या वो बढ़ती जा रही है तो इट्स ऑल अबाउट उनकी डिमांड बढ़ रही है बट जो हायरिंग है वहाँ पे डिमांड नहीं है तो यही मेजर रीज़न है कि जो हम ये बात कर रहे हैं कि क्या वेब डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो गया है अब इसका स्पेस बहुत बढ़ गया है येस इट इज़ ट्रू इसका स्पेस अभी बढ़ गया है बिकॉज अब भाई मान लीजिए अगर हायरिंग चल रही होती प्रॉपर बच्चों को कॉलेज से उठाया जा रहा होता या ऑफ कैंपस या ऑन कैंपस तो वो चीज़ बैलेंस रहती बट अभी क्या है अब हमें जो दिख रहा है एक दोस्त से बात करता हूँ यार तू भी ये कर रहा है मैंने भी ये किया तेरे पास भी ये प्रोजेक्ट है मेरे पास भी ये प्रोजेक्ट है तो ऐसे जब ऐसी चीज़ें होती है तो थोड़ा दिमाग घूमता है राइट बट मैं अभी जैसे मैंने कॉलेज विजिट किया लास्ट पंजाब गया था बठिंडा वहाँ भी बच्चों के कॉमन क्वेश्चंस थे अभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विजिट किया मैंने एक सेशन था मेरा वहाँ पे वेब डेवलपमेंट के ऊपर तो वहाँ भी बच्चों के कुछ सवाल थे ऐसे देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप IT में एंटर कर गए हैं ना और आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्टअप से कर रहे हैं प्रोडक्ट बेस से कर रहे हैं सर्विस बेस से कर रहे हैं सी ये चीज़ें रहेंगी आने वाले टाइम में भी रहेंगी इसका सिंपल सा मंत्र है कि जो भी आपने कर लिया है अब जैसे स्पेशली इन वेब डेवलपमेंट आपने फ्रंट एंड कर लिया है अगर मार्केट की भी डिमांड नहीं है आपसे तो आपको रुकना पड़ेगा एक महीना भी रुकना पड़ सकता है दो महीने भी रुकना पड़ सकते हैं उसका एक पैटर्न ये है कि अगर आपको कहीं से भी अपॉर्चुनिटी आते कोई छोटी कंपनी से ही आते चाहे एक कमरे की ही वो कंपनी क्यों ना हो यू कैन ज्वाइन चाहे पैसे कम मिले स्टार्टिंग टाइम में चाहे फ्री में भी काम करना पड़े करो क्योंकि वो तो एक्सपीरियंस आपके साथ है ना वो तो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा ना पैसे अगर आपको ना मिले तब भी करो अगर मार्केट की सिचुएशन ऐसी हो ये मैं अपनी जो अपने एक्सपीरियंस से आपको एडवाइस दे रहा हूँ बिकॉज मैंने देखा है अभी काफ़ी बच्चे कॉलेज स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ से तो जो भी आप किसी डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ रहे हैं यूट्यूब से पढ़ रहे हैं अब वो आप पढ़िए अपने प्रोजेक्ट्स रेडी कीजिए अगर अभी देखिए आप कुछ कर ही नहीं सकते अभी मार्केट की डिमांड नहीं है अभी मैं ये भी बात मानता हूँ कि ऐसा नहीं कि हर जगह ही हायरिंग फ्रीज है ऐसा नहीं है हायरिंग चल रही है थोड़ी कम है बट ये जल्दी जब ये स्टार्ट होगी तो वेलकम जो है वो आपका ही किया जाएगा सबसे पहले क्योंकि आप देखिए अब कंपनी के प्रोसेसन को हर साल बंदे उठाने हैं हायरिंग करनी है उनको ये भी आइडिया होने वाला है कि आने वाले 6 महीने में प्रोजेक्ट्स आने हैं बंदे चाहिए तो हायरिंग स्टार्ट होगी राइट अब इसमें अब ये भी नहीं डरना है यार उसका कारण AI है क्या नहीं अगर तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो अपने वेब डेव स्किल्स के अंदर तुमने अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं तो आप मेरी बात मानिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहा हूँ मैनुअल इंटरवेंशन चाहिए चाहिए आप एक लेवल के बाद आज ChatGPT को बोलोगे बाय बाय अब आपको कस्टम डेवलपमेंट करनी पड़ेगी तो वो सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यू शुड बी अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप
किसी भी प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच कर रहे हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं, वो ज़्यादा मैटर करती है। ये सैचुरेशन थिंक अभी इस टाइम पे कह सकते हो कि हाँ थोड़ा सैचुरेट हो गया है, लोग बहुत बढ़ गए हैं, मार्केट में जॉब्स नहीं है, हर कोई कर रहा है, बट दिस कैन बी चेंज, दिस नंबर कैन बी चेंज। आईटी कंपनीज में ये नंबर घटते बढ़ते रहते हैं, सारा खेल डिमांड सप्लाई का ही है, आप समझ रहे हो। सो मैं यही आपको कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा बस पेशेंस रखिए। और भैया आप ना एक बात बोलूँ, आप हर बार ये कहते हो बस पेशेंस रखिए, भाई मेरे पास तुम या तुम्हारे पास और कुछ नहीं है, तुम बताओ तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है नहीं, है ना। तो बट तुम अगर उससे पीछे हट जाओगे, अब मैं कोई और फील्ड कर लेता हूँ, कोई और फील्ड ऑप्ट कर लेता हूँ, ऑल दो तुम्हारा इंटरेस्ट है, तब भी तुम कह रहे हो बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी, किसी दोस्त ने बोल दिया, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तुम जो कर रहे हो उसमें रहो एंड एक राइट टाइम का वेट करो, क्योंकि अगर आप स्पेशली अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आना चाहते हो तो आपको इस चीज़ से यूज टू होना पड़ेगा। अगर आज मार्केट में आपकी डिमांड नहीं है, आपकी नहीं सबकी, वो क्योंकि कंपनी भी हायरिंग नहीं कर रही है, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 2 महीने 3 महीने। बट यस, तब तक आप अच्छे प्रोजेक्ट्स करो, और अगर आपको मौका मिल रहा है कोई छोटी कंपनी में ही, क्यों ना, गो फॉर इट, राइट। और सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो है फ्रेशर्स, अभी 1 साल 2 साल। एंड मैं इंस्टाग्राम पे भी देख रहा था, अभी मैंने बहुत सारी रील्स कवर करी हैं, बच्चों के Q&A सेशन ले रहा था, तो वहाँ भी मुझे ये सवाल मिले, भैया मैं क्या करूँ, मेरी सैलरी 5,000 है। मैंने उनको भी यही कहा, भाई 5,000 है ना, तो 5,000 में ही कंटिन्यू कर अभी, जब तक चीज़ें रिज्यूम नहीं होती हैं। जैसे ही चीज़ें रिज्यूम होंगी तो फिर आगे चेंज के लिए जाना, तब तक अपने आप को बेटर कर ले। क्योंकि आईटी कंपनी में ये आप बात मानो ना मानो, कोई भी व्यक्ति अगर अपना कम पैकेज से करियर स्टार्ट कर रहा है तो हमेशा वो कम पैकेज में नहीं रहेगा, और उसका एग्जांपल आपके सामने बैठा हूँ, आपका पैकेज बढ़ जाएगा टाइम आने पे। बस थोड़ा सा आपको सब्र रखना है और राइट टाइम का वेट करना है। आईटी कंपनी में ये होता है, और ऐसा भी होता है दो लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेम पैकेज में, और 4 साल बाद 5 साल बाद दोनों के पैकेज में बहुत डिफरेंसेज होते हैं, राइट। तो वो सब चीज़ें हैं जो आप धीरे धीरे सीखेंगे। बट आप चाहे वेब डेव में अच्छे हैं या कोई और फील्ड में अच्छे हैं, उसमें खाली इन चीज़ों को देख के अपना अपने आप को ना बदलें। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ, अपने आप को चेंज ना करें। अगर आपने अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं, आप टेक्निकली साउंड करते हैं, आपको लगता है कि आई एम रेडी फॉर इंटरव्यू, ठीक है, अभी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, आपको जहाँ से भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, अपना लिंक्डइन अप टू डेट रखो एंड लोगों को रीच आउट करो, ठीक है। ये बात आप समझो, अगर आप 10 लोगों को मैसेज करेंगे 10 से आपको रिप्लाई नहीं आएगा, बट अपने एफर्ट्स मारते रहो। नौकरी पे प्रोफाइल अपनी 100% अपडेट रखो, वहाँ पे इमीडिएट ज्वाइनर डाल दो, रिज्यूमे को चेंज करते रहो, 2-2 दिन में 3-3 दिन में आप अपने रिज्यूमे को अपडेट करते रहो, थोड़ा ट्वीक करते रहो, जितना ज़्यादा हो सके जॉब को अप्लाई करो, तो कहीं ना कहीं से कोई छोटी कंपनी से भी क्यों ना हो, मिड कैप कंपनी से भी क्यों ना हो, आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आप मानिए मेरी बात। तो ये जो बात होती है ना, जैसे क्या ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, हर कोई कर रहा है, इस चीज़ के 2-3 कारण होते हैं। पहला जो सबसे मेजर कारण है कि अभी हायरिंग ही नहीं है, जब हायरिंग ही नहीं होगी तो बंदे तो भर जाएंगे उस फील्ड में, ठीक है। तो ये जो भी मार्केट डाउन है ना, बिकॉज ऑफ US UK, अब प्रॉब्लम पता है क्या है, जो इंडिया में प्रोजेक्ट्स होते हैं इवन इन सर्विस बेस्ड कंपनीज, सारे बाहर के ही हैं। अब बाहर वाले ही TCS को पैसा नहीं देंगे तो TCS क्यों हायरिंग करेगा। पर TCS को या और जो सर्विस बेस्ड कंपनी, उनको ये आइडिया होता है कि आने वाले टाइम में प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं तो हमें अभी हायरिंग करनी है। अब वो हायरिंग बेंच हायरिंग भी हो सकती है, हम क्या करते हैं अपनी बेंच स्ट्रेंथ तैयार कर लेते हैं, जैसे प्रोजेक्ट आएंगे इनको फिर वहाँ पे डाल देंगे। सर्विस बेस्ड कंपनी में यही होता है। इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी वो पहले देखते हैं कि भाई क्या अभी हमारे पास 10 फ्रंट एंड डेवलपर हैं, तो हमें क्या और 2 की ज़रूरत है, नहीं है तो अभी हायरिंग नहीं होगी, तो वहाँ पर थोड़ा सा इस हिसाब से चीज़ें रहती हैं, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मास हायरिंग बहुत कम करती है ना। लाइक अभी तो नहीं, अगर मैं इस करंट टाइम की बात करूँ तो अभी तो हायरिंग कहीं भी नहीं है, ना सर्विस बेस्ड कंपनी में ना प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में है, बहुत रेयर है फ्रेशर्स के लिए। तो मैं जितने भी फ्रेशर्स अभी देख रहे हैं, कॉलेज स्टूडेंट देख रहे हैं, मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप थोड़ा सा बस ध्यान रखिए कि यार देख भाई अभी और ऑप्शन है नहीं मेरे पास, इसमें ही बेटर करता हूँ, जैसे ही ऑप्शंस आएंगे अगर मेरे में टैलेंट होगा, दम होगा, तो मैं निकल जाऊँगा। आई बात कि हर कोई कर रहा है, देखिए ये हर फील्ड में ही है, खाली वेब डेव में नहीं है, आप डेटा साइंस ले लीजिए, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ले लीजिए, अभी इतने सारे लोग हैं, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, तो हर कोई मेहनत कर रहा है, तो उससे आपको भागना नहीं है, आप हैं ये आपको पता होना चाहिए, अपना एफर्ट लगाइए अच्छे से, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ ये है कि अभी हायरिंग, जैसे अभी भैया कब हायरिंग स्टार्ट होगी, देखिए ये चीज़ डिपेंड करती है बिजनेस टू बिजनेस कि अब कुछ कंपनीज जैसे है वो इम्पैक्ट ही नहीं है, राइट, तो वो हायरिंग कर रही है, शायद वो आपकी विजिबिलिटी में नहीं है, क्योंकि आप जो सोच रहे हो एक स्पेसिफिक कंपनी के लिए सोच रहे हो। तो मैं बस यही कहूँगा कि अभी आपको जहाँ से भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, गो फॉर इट, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच, एंड दिस इज माई जस्ट, मैं आपको इस वीडियो के थ्रू एक काइंड ऑफ ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा था मेरे पास कि भैया ऐसा है क्या, क्या मुझे कुछ और फील्ड में जाना चाहिए। तुम अभी किसी फील्ड में भी जाओ भाई, तुम डेटा साइंस में जाओ,
सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जाओ, अभी तुम्हें ये चीज़ थोड़ी दिखेगी, बट येस वी शैल ओवरकम सून, वेरी सून, एंड चीज़ें बेटर होंगी, हायरिंग दोबारा स्टार्ट होगी, तो आप उसका जरूर हिस्सा बनेंगे, ठीक है। टिल देन ध्यान रखिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और ताकि एक माइंडसेट ठीक हो। मैं जरूर कहता हूँ कि पॉजिटिविटी ज़रूरी है और रखनी है वो, और वही हमें स्प्रेड करनी है, क्योंकि जब मेरे पास किसी चीज़ का कंट्रोल नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं नेगेटिव होकर क्या करूँगा, अपने आप को थोड़ी इम्पैक्ट करूँगा, अपनी हेल्थ को थोड़ी इम्पैक्ट करूँगा, अपनी मेहनत करता रहूँगा, और कहीं से भी मुझे अपॉर्चुनिटी आए, चाहे 5,000 की आए, 10,000 की आए, 15,000 की आए, 20,000 की आए, फ्री ही क्यों ना आए, गो फॉर इट। जब मार्केट बेटर होगी, रिवाइव होगी, देन आप वापस से जाएंगे और अपना पैकेज बनाएंगे और काम करेंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ये चीज़ बहुत कॉमन है, इस चीज़ को मान लिया जाए, जितना जल्दी उतना अच्छा है। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एक शेयर आपका किसी की हेल्प करे, एक माइंडसेट ठीक करे। मैं देखता हूँ जब मुझे टॉपमेट पे कॉल आते हैं, भैया मैं डिप्रेस्ड हूँ, परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, बताओ, तो मैं चाहता हूँ कि एक ये मैसेज जाए और उन सभी बच्चों के पास, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर आपको कोई सुझाव हो, आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, एंड फिर मैं उसके बारे में ज़रूर बात करूँगा। एंड बाकी अगर आप हमारे वेब कम्युनिटी में नहीं आए हो, तो यू कैन ज्वाइन, वहाँ पे मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस डालता रहता हूँ, एंड वहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच जी, मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।